हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोमनाथ देवनाथ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ MI Band 2 HRX एडिशन का आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। इसके कुछ प्लस पॉइंट्स, कुछ माइनस पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा और इस पर मैं एक टेस्ट भी करने वाला हूँ, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो आज वीडियो में खास बात क्या है, आज हमारे साथ मेरा जो फ्रेंड है मिस्टर रोहित नेगी। कमन मैन मिस्टर रोहित नेगी, इनका चैनल है मिस्टर VFX बॉक्स। ये स्पेशली वीडियो ग्राफिक्स पे और एनिमेशंस पे काम करते हैं। इनकी चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। इनका हमेशा का नाटक चालू रहता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक छोटा सा रिव्यू देंगे इस वॉच के बारे में, इन्होंने एक दिन तक ये वॉच यूज़ की है। सो अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी अच्छी वॉच है, प्राइस के हिसाब से वॉच करती है, वॉच 1300 में काफ़ी अच्छी वॉच है। ओके, तो फ्रेंड्स हमको बॉक्स में तीन चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मेन ये वॉच, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा इसका टच सेंसर। ये रहा MI का लोगो और ये रहा ये नीचे वाला पोर्शन जिसमें से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसमें और कुछ भी खास नहीं है, और तो ये काफ़ी हल्की सी वॉच है, छोटी सी, कॉम्पैक्ट, तो आपको पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर बात करूँ मैं इसकी बैंड की, ये देखिए यहाँ पे लिखा है HRX। ये बैंड काफ़ी सॉलिड है, मज़बूत है, तो ऐसे ही ये नहीं टूटेगा, अच्छी क्वालिटी का है। और है इसका चार्जर, ये है इसका USB, और प्लस ये रहा इसका चार्जिंग पोर्ट। ये जैसे कि आप इसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे तो ये चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसके कुछ प्लस पॉइंट्स और कुछ माइनस पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले प्लस पॉइंट्स के डिस्कस करते हैं। ये वॉच जो है ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है, और प्लस इसका जो बैंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत है ये, तो उतने इजीली आप अगर कुछ ट्रैफिक में रहते हो या फिर बस में ट्रैवल करते हो, कुछ भी इंडियन ट्रैफिक आप तो ये इतनी जल्दी वो नहीं होगी, टूटेगी नहीं, क्योंकि जो लोकल वॉच होती है वो जल्दी टूट जाती है, मैंने काफ़ी खुद एक्सपीरियंस किया है। और ये प्लस वाटरप्रूफ है, तो वाटरप्रूफ का टेस्ट मैं आपको इसी वीडियो में करके बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही। तो अभी और बात करो तो आपको इसके साथ एक MI की एप्लीकेशन है, मी बैंड एप्लीकेशन, उसको साथ में लिंक करना पड़ेगा थ्रू ब्लूटूथ, उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसमें जो जो भी आपने कितने घंटे की स्लीप ली, आप कितने स्टेप्स चले, आपका जो भी टाइम टेबल रहा, या फिर आपका अलार्म सेट करना हो, या फिर आपको कैलेंडर में कुछ सेट करना हो, काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और अगर बात करूँ मैं इसके माइनस पॉइंट की, तो ये इसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ ये एक यहाँ पे टच सेंसिटिव बटन मिलेगा, सिर्फ एक ही बटन है यहाँ पे, उसी को आपको यूज़ करके इसको ऑपरेट करना रहेगा, और इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इसको मोबाइल के थ्रू भी ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बैंड है, ये एक वॉच नहीं है। इसके MI बैंड एप्लीकेशन में एक यूट्यूब नोटिफिकेशन नाम करके जो एक सेटिंग है, उसको ऑन करने के बाद भी इसमें यूट्यूब की नोटिफिकेशन नहीं आती, हालांकि व्हाट्सअप और आपके कॉल के नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, पर आपको यूट्यूब की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी, तो ये एक माइनस पॉइंट है। तो चलिए अभी इसको वाटर टेस्ट करते हैं। ये रहा बैंड और यह पूरा पानी से भरा हुआ ग्लास, तो ये बैंड को मैं इसमें डुबा दूंगा, तो ये आप देखो, तो ये इतना तक तो पानी आराम से झेल सकता है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। और ये अगर आप बारिश में यूज़ करो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी, अगर आप पहन के इसको स्विमिंग पूल में उतरते हो तो भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। ग्लास को मैं साइड में रख देता हूँ, देखिए ये वॉच पूरी गीली हो चुकी है, वर्किंग कंडीशन में है अभी भी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।